नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये DT14 ट्रैक्टर है, 1969 का मॉडल, और ये धर्मवीर जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार धर्मवीर जी। नमस्कार जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ, अपना एड्रेस और गांव, और फिर ट्रैक्टर के बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम धर्मवीर है जी, धर्मवीर सन ऑफ हमीलाल खटौड़, इक्कीस का रहने वाला हूँ मैं। जींद के अंदर जी। जींद के अंदर। ये जो आप ट्रैक्टर 1969 का मॉडल ले गए हो। हाँ जी, 1969। इतना पुराना आपने ये ट्रैक्टर रख रखा है, ऐसी क्या खासियत है इस ट्रैक्टर के अंदर? खासियत ये जी, एक तो तेल कम का है। अच्छा, तेल कम ले हुआ ट्रैक्टर। एक ये पानी के लिए बढ़िया रहता है। अच्छा, पानी पे चलाओ तो। अच्छा, पानी पूरी जैसे पुली पे चलाओ। हाँ, पुली पे चलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, पुली पे चलाओ तो कोई दिक्कत? इसका मतलब टूट फूट गाइट है। अच्छा, कम टूट फूट है। और जैसे आप इतना पुराना ट्रैक्टर ले रहे हो, हाँ, तो इस ट्रैक्टर में ऐसी क्या लगाव है आपके साथ इस ट्रैक्टर का, जो इतना पुरानी चीज़ आप लेकर आए हो? तो जी, इस पुराना में यह खासियत है कि एक तो जो मतलब ज़्यादा वो नहीं करता, खर्चा नहीं होता। हाँ। एक एंटीक भी हो गया है। हाँ, आज के टाइम में देखने के नहीं मिलता। देखने के लिए भी लायक, बहुत बढ़िया, क्यों इतना मॉडल है, रशियन ट्रैक्टर है जी। अच्छा अच्छा, मतलब आजकल लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। हाँ, आपने चीज़ संभाल कर रख रही। हाँ, अभी फिलहाल भी आप इससे काम करते हो? हाँ, कर लिया काम। अच्छा, छोटा मोटा खेत खात में जाना हो जाए। अच्छा, बग्गी जो टेला काम कर है, खेती दे छोड़ी हुँ। और इस लिए ही खड़िया मैं। आपने से कितने खेती एकड़ जमीन बोई होगी? छह सात किले। अच्छा, 6-7 किले आप इस तब होया करते। हाँ, सही काम करा करता है। हाँ, बिल्कुल एकदम। हाँ, बढ़िया। चलने वलने में कोई कैसा है? बहुत बढ़िया जी, मज़ा आवा चलाने में। सही है। कितने साल हो गए आपने ट्रैक्टर लिए? 20 साल हो गए जी लिए। अच्छा अच्छा, 20 साल तो आप इस ट्रैक्टर कंटिन्यू चला रहे हो अपने पास में, और कोई खर्चा मेंटेन मतलब कोई सर्विस का कोई पार्ट वोट मिल जाए इसके? सब मिल जाए। अच्छा, जींद में सब कुछ मिल जाए। अच्छा अच्छा, और कोई खासियत हो ट्रैक्टर की? कुछ खासियत बताओ ट्रैक्टर की। खासियत तो यह है जी, छोटे जमींदार के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छा अच्छा, छोटे जमींदार बढ़िया चीज़ है। हाँ, और एंटिक भी है। हाँ, आज के टाइम में देखने में बड़ी सही। आपने पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है? हाँ, पूरा जब पूरा ट्रैक्टर आगे से पीछे तक पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल। हाँ, है पूरा। बिल्कुल आपने सही संभाल कर रखा है ट्रैक्टर को। और कोई अटैचमेंट हो ट्रैक्टर के साथ में? एक मिनट, कार को दाने दो। और कोई ऐसी कोई अटैचमेंट हो ट्रैक्टर साथ में, जैसे लगाव हो जाता है मशीन के साथ में, बच्चों की तरह जैसे बच्चों में लगाव तो हो जाए? जी मतलब ऐसा है कि इसके बारे में तो अपन तो ऐसा कह सकते हैं जी कि ये बहुत ही ठीक से। अच्छा, और लगाव ये है जी, एक तो बढ़िया ट्रैक्टर है। जी नहीं करता बेचने। अच्छा, जी ये नहीं करता बेचने। अब तो गाँव है लेकिन बेचे नहीं। गाहक तो देखो जी आते रहेंगे। एक तो एंटिक चीज होगी तो ये चीज तो मिलनी ही नहीं है। हाँ जी, नहीं मिलती, अंधी है, नहीं है, बंदे नहीं है, ये लास्ट मॉडल है जी। अच्छा, लास्ट मॉडल है। हाँ, उन्हें लास्ट है। अच्छा अच्छा, 69 का लास्ट का। उसके बाद कोई ट्रैक्टर रशियन ट्रैक्टर नहीं आया। हाँ, 70-71 में तो सारे बंद हो गए थे, बाहर के जाने ट्रैक्टर बंद हो गए थे। चलो जी, थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये ट्रैक्टर है भाई, DT14 ट्रैक्टर। एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस ट्रैक्टर का, XT3। और स्टार्ट है ना जी, अभी चालू है ना ये? हाँ जी, चालू है। हाँ, बैटरी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बैटरी नहीं होनी, खड़े खड़े तो डाउन हो जाओ। बिल्कुल हो जाती है जी, बिल्कुल खड़ी हो जाती है। बैटरी का तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये है भाई ट्रैक्टर DT14 पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर। 4 गियर में ना ये? हाँ जी, 4। 4 गियर के साथ में है। 5 है जी, 4 सीधे और एक बैक। अच्छा, हाँ 5 हो गए। हाइलो भी इसमें? हाँ, ना हाइलो कोई। अच्छा अच्छा, हाइलो नहीं है ना इसका। ये था भाई DT14 ट्रैक्टर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।